को प्यार दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और सुबह का स्टार्ट हो गया है हस्बैंड के लिए मनाश्ता बना रही हूँ और अभी मेरे हस्बैंड को आदत है दूध के अंदर कुछ मिक्स करके पीने के वो प्लेन दूध नहीं पीते और शुगर पे बिल्कुल नहीं डालते तो इसलिए फिर मैं कभी नेस्क्विक ऐड कर दिया बूस्ट ऐड कर दिया तो अभी मुझे था कि घर पे वो दोनों चीज़ें ख़त्म थी तो मैंने इसमें कॉफ़ी का मिक्सचर ऐड कर दिया है ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर करता है अगर आप मिल्क में ऐड करके पिए तो इट टेस्ट सेम लाइक नेस्क और बूस्ट वाला ही टेस्ट मिलता है तो अभी मैंने ये रखा है साथ में मैं उनके लिए पराठे बना रही हूँ जिसमें जी पराठे के अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया हरी प्याज़ हरी मिर्चें और थोड़ा सा नमक और चीज़ को स्प्रेड करके पराठे का पेड़ा बनाकर सेम मैंने इसको पराठे की तरह रोल कर लिया था और ये चीज़ वाला हरा भरा पराठा बन गया है और सुबह सुबह अच्छा होता है क्योंकि अब जैसे कि सर्दी आ गई है तो आप पराठा यू कैन हैव पराठा गर्मियों में, में मेरे हस्बैंड की चॉइस ब्रेकफास्ट की बिल्कुल चेंज होती है और सर्दियों में वैसे भी फ़ूड की चॉइस मौसम के हिसाब से बदल जाती हैं तो अभी वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं टू हैव पराठा अर्ली इन द मॉर्निंग अदरवाइज ही इज़ नॉट अ पराठा लवर एट ऑल तो ये पराठा बनाया है मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे दिखता है मैंने मोजरेला चीज़ मेरे पास पड़ा था मैंने वो ही ऐड किया है तो इसीलिए वो लेयर्स में अच्छे से मेल्ट हो गया है इसमें अगर आप चैटर चीज डालेंगे तो ज़्यादा निकल के वो यू you नो know, वो जैसे स्प्रेड होके फ्लो होके निकलती है वैसे निकलेगी तो ये मोजरेला थी तो इसलिए ये अंदर ही मेल्ट होके चिपक गई है पराठे के अंदर तो ये पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं एक हस्बैंड खा लेंगे एक मेरा तेवर खा लेगा और ये उनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा और हस्बैंड नाश्ते के बाद चले जाएँगे काम पर और मेरा काम होता है जाकर सो जाना मैं उनका नाश्ता दूँगी और फिर मैं जाकर सो जाऊँगी सो भी बारह बज गए हैं और टाइम है बेड को छोड़ने का और जाकर किचन में खाना बनाने का और आज मुझे इतनी नींद आ रही है ना कि जब मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही थी तो मेरा बस दिल यही था कि जल्दी जल्दी ये काम पर जाएँ और मैं जाकर सो जाऊँ जैसे हस्बैंड काम पर गए मैं आई और मैं सो गई और अभी आप देख सकते हैं बारह बजने में पाँच मिनट हैं और खाना मुझे बनाना है लेकिन मुझे नींद इतनी आ रही है ना कि मेरा दिल है कि मैं पाँच दस मिनट का नैप और ले लूँ और इस पाँच दस मिनट के चक्कर में अक्सर यूँ हो जाता है कि टाइम कुछ जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो ये पाँच मिनट के लिए जो आँख हम मैंने लगाई थी वो बीस मिनट की आँख लग गई और अभी बहुत जल्दी में मुझे किचन में जाना है और जाकर बनाना है आज का लंच तो लंच में देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ क्योंकि इस वीक में मैंने काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स में लेके आई थी तो मुझे है कि जाके वेजिटेबल्स में ही कुछ बनाएंगे और सब्ज़ी ही बनाओगी और वह जल्दी बन भी जाएगी तो बस अभी किचन में चलते हैं और जाकर बनाना शुरू करते हैं आज का लंच और बस अभी थोड़ा सा काउंटर टॉप्स वगैरह को भी क्लीन कर लूँगी ताकि आज का दिन प्रॉपरली स्टार्ट करूँ और रात को कुछ चीज़ें ख़त्म थी वो मैं लेके आई थी इनको भी इनकी जगह पर डालना है जार्स वगैरह में डालना है सो इस वीक में मुझे शामी कबाब भी बना कर रखने हैं ढेर सारी क्वान्टिट्टी में क्योंकि शामी कबाब जब होते हैं तो काफ़ी सुकून हो जाता है काफ़ी चीज़ों के साथ वो चले जाते हैं और मेरे घर में तो अंडा शामी बर्गर शामी वाला बर्गर सैंडविचेस इन चीज़ों में वो बहुत हेल्प करते थे काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाया बिकॉज़ मैं बहुत लेज़ी फील कर रही थी पहले मैंने सोचा था कि मैं अपनी सांस को बोलूँगी कि वो बना दें लेकिन जब वो यहाँ पर थी तब भी मुझे याद ही नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी बने पड़े थे तो खैर अब जब वो आएंगी तो इन उनसे बनवाऊँगी और भी थोड़े से बहुत बना कर रख लूँगी अभी लंच में मैं बनाने लगी हूँ जी आलू मेथी की सब्जी तो ये बहुत ही आसान है और झटपट से बन जाती है तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं आज का लंच क्योंकि टाइम come here सोचिए खाना हो गया है तैयार और सब्जी तो हमेशा जल्दी ही बन जाती है क्योंकि गोश्त या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा टाइम लेती हैं बनाने में आज वैसे भी मेरा सब्जी डे था तो इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स होकर सो गई थी मुझे पता था कि मैं मैनेज कर लूँगी तो ये आलू मेथी की सब्ज़ी हो गई है रेडी और इसके साथ गर्मा गर्म बनेगी रोटी या तो बनेगा पराठा जिसको पराठा चाहिए होगा उसके लिए पराठा बन जाएगा जिसको रोटी चाहिए होगी इसके लिए रोटी बन जाएगी और हस्बैंड मेरे एक बजे तक आ जाते हैं अभी बाहर चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या टाइम हुआ है और कितने टाइम में मैंने खाना बनाया है क्योंकि जब आप जल्दी में होता है ना आप जल्दी खाना भी बना लेते हैं टाइम भी बच जाता है और मज़ेदार खाना भी बनता है मुझे ऐसा लगता है जब मैं जल्दी खाना बनाती हूँ ना तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है सूज एक बज के पाँच मिनट हो चुके हैं और खाना टाइम पर तैयार है एनी मोमेंट हस्बैंड आते होंगे क्योंकि वो ऑफिस बंद करते हैं फिर वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं नमाज़ पढ़कर फिर वो घर आते हैं तो किसी भी वक्त वो वा आने वाले होंगे और फिर तवे से गरम उतरी हुई रोटी मुझे देना पसंद है चाहे वो हस्बैंड हो कोई भी हो चाहे दिन में मुझे पाँच से छः बार तवा रखना पड़े आई डोंट माइंड बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गर्म गर्म रोटी ही दूँ जिसको भी खानी हो तो आप सामने देख सकते हैं मैंने वहाँ पर जहाँ पर वो स्वाट्स लगी हुई थी तलवारें लगी हुई थी उनको हटाकर मैंने ये शेल्फ फिक्स करवाई हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं और फॉर्मेशन में हमें काफ़ी टाइम लग गया समझ नहीं आ रही थी किस तरह लगाएं क्योंकि एक लार्ज थी एक मीडियम थी और एक स्मॉल थी तो इनकी फॉर्मेशन करने में हमें काफ़ी टाइम लगा और उसके बाद हमने ये डिज़ाइन चूज़ करके ये फ़िक्स किया है चीज़ें यहाँ पर रेंडमली हस्बैंड ने उठा कर इधर उधर से ही रख दी थी लेकिन यहाँ पर मैं कुछ अच्छा सा ला कर रखूँगी आप लोग भी आइडिया दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या रखूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें पड़ी हुई अच्छी लगेंगी तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा तो टाइम एक बजकर आठ मिनट हो चुके हैं और कोई मुझसे पूछ रहा था कि मेरी टीवी पे हमेशा इस तरह का डिस्प्ले क्यों होता है तो हम लोग ये गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो इसीलिए उस पर ये डिफरेंट डिफरेंट वाल पेपर्स उदी आते रहते हैं तो हम बस अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं जो भी चीज़ देखनी होती है और हम लोग देख लेते हैं सो so, ये तीन शेल्फ यहाँ पर लग गई हैं और एक तीन का सेट और मेरे पास है पहले मैंने ये दो सेट लिए थे कि मैं अपने बेडरूम में जहाँ मेरा टीवी मैंने प्लेस किया है बेडरूम में उसके लेफ्ट एंड राइट पे मैं ये तीन तीन शेल्फ्स लगाऊंगी फिर यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया एक सेट अब उम्मीद है कि सेम इसी तरह का एक सेट मुझे और मिल जाए ताकि वो अंदर मैं अपनी टीवी वाली वॉल पर फिक्स कर दूं ताकि उस वॉल की थोड़ी सी शक्ल निकल आए अभी मुझे लगता है कि वो अच्छी नहीं लगती और थोड़ी खाली खाली लगती है तो इसीलिए अब उम्मीद है कि इस तरह का मुझे एक और सेट मिल जाएगा तो ये मैंने कारफोर्स से लिया था टू वीक्स बिफोर और अभी पता नहीं मिलेगा कि नहीं ही मिलेगा सो so इसलिए इसको यहाँ पर रख देते हैं और होप करते हैं कि दोबारा हमें दूसरा वाला भी मिल जाए सो so अभी मैं बना रही हूँ एक हेयर ऑयल जिसके बारे में मैंने इंटरनेट पर काफ़ी सुना है और टिकटॉक पर ये बहुत ही फेमस है ये तेल और मैंने कहा इसको बनाते हैं और देखते हैं कि मुझे सूट करता है कि नहीं करता है तो अभी तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है इसको बनने का सारी चीज़ें मैंने स्मार्ट कर दी थी, थी। अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाते जाना है जब तक ये सारी चीज़ें काली नहीं हो जाती फिर इसको सात दिन धूप में रखना है कल के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं इसकी कंप्लीट वीडियो शेयर करूंगी तो अभी यह पकड़ा है इसको पकने देते हैं सो so, जी टाइम है रात के बज रहे हैं साढ़े दस खाना खाने के बाद अब भी मेरे हस्बैंड के एकदम से बैठे बैठे क्रेविंग होना शुरू हो गई है कि उन्होंने डोनट्स खाने हैं और अभी हम लोग वही लेने जा रहे हैं तो जाते जाते रस्ते में आपसे एक बात करती जाऊंगी कि मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपके हस्बैंड आपको बहुत घुमाते हैं बहुत फिराते हैं बहुत ख्याल रखते हैं और आपके आगे पीछे रहते हैं तो मैं भी उनके साथ ऐसी ही हूँ मैं भी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं भी हर तरह से कोशिश करती हूँ कि उनको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो तो ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है अगर हस्बैंड आपका करते हैं तो आप भी कर रहे होते हैं तो कोई आपका करता है ये मैंने नहीं देखा कि आप किसी के लिए करते जाओ करते जाओ करते जाओ और वो आपके लिए कुछ भी ना करे तो ये गिव एंड टेक का रिलेशन है आप भी करें तो दूसरा पार्टनर भी आपके लिए करता है सो so, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मग्स पड़े थे और हस्बैंड का आज मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा था उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपने लिए कोई मग या ट्रैवलिंग मग खरीद लो सो so, मैं वही देख रही थी प्राइसेस इन कितनी हाई थी और चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी खास नहीं है जिनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई होने चाहिए और मुझे नहीं समझ आते स्टार बग्स टीम हॉटनस हो गया और जो बाकी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े ये क्यों इतने महंगे मग्स और कॉफ़ी ट्रैवलिंग कप्स बेचते हैं समझ से बाहर है शायद ब्रांड बिकता है और ब्रांड का कुछ भी छाप कर आप कोई भी चीज़ भेज दो और लोग खरीद भी लेते हैं खैर मैं इतने पैसे स्पेंड नहीं करूँ सो so, इन चीज़ों पर पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए जो कि हमें आम कहीं से बेकाल रहा। दो रल में चीज़ बिक जा मिल जाती है तो वाई वेस्टिंग सो मच मनी सो so, ट्रैवलिंग मक्स जो होते हैं वो आपको अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए अच्छे ब्रांड के लेने चाहिए जिनमें चीज़ वाकई गर्म की गर्म रहे और ठंडी की ठंडी रहे सो so, खैर यहाँ से हम लोगों ने डोनर्स लेने थे वो हमने ले लिए हैं और बात हो रही थी कि मेरे हस्बैंड और मैं हम लोगों का रिलेशनशिप कैसा है तो हम लोगों का सेम दोस्तों वाला रिलेशनशिप है कभी कभी मुझे लगता ही नहीं है कि ये मेरे शोहर हैं लाइक like, जैसे मेरी बहनों के शोहर हैं बहुत ही रोबदार दमदार और वो डरती भी हैं उनसे थोड़ा थोड़ा और बहुत ही अदब से एहतराम से बात करती हैं तो मैं भी एहतराम इज्जत करती हूँ लेकिन हम लोगों की मैं बहुत अच्छी दोस्ती है कि हम लोग बिल्कुल भी फील ही नहीं होता कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं ऐसे लगता है कि दो दोस्त हैं और जो अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं सो so, ये भी एक मज़े की बात है अगर आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप दोस्तों वाला होना तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है सो so, यहाँ पे ट्रैवलिंग मार्क्स हैं जो कि एक ही था इकलौता ये वाला जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगा सो so, इसको इसकी जगह पे वापस रख देते हैं और कोई मुझसे पूछ रहा था मेरे और मेरे हस्बैंड का एज डिफरेंस कितना है तो हमारा एज डिफ़रेंस आप सुन के हैरान होंगे सिर्फ़ और सिर्फ फाइव मंथ्स का है मैं फाइव मंथ्स छोटी हूँ मुझसे फाइव मंथ्स भरे हैं और ये बात मुझे शादी के बाद पता चली थी शादी से पहले ये बात मुझे नहीं पता थी सो so, हमें प्यार भी है हम में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं लेकिन हमारी लड़ाई एक रात तक की ही होती है सोने से पहले हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग तक हम उसको कंटिन्यू नहीं करते यही एक फॉर्मूला है अच्छी हैप्पी हैप्पी लाइफ गुजारने का और मेरे हस्बैंड को भी गुस्सा आता है वो भी टेंट शो करते हैं वो भी कभी कभी मूडी हो जाते हैं जो कि नेचुरल है होता भी है तो शादी इसी का नाम है हंसी खुशी लड़ते रोते धोते साथ गुजारते हैं अच्छी गुजरेगी ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा टेक केयर अल्लाह